पार्टी में रेत खदान पर अवैध रूप से रॉयल्टी को लेकर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को सौंपा आवेदन। पार्टी नगरवासियों ने सोमवार को रेत खदान पर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूली को लेकर अनुविभागीय अधिकारी श्री घनश्याम धनगर के नाम नायब तहसीलदार श्री संजय चौहान को आवेदन सौंपा। आवेदन का वाचन करते हुए बताया कि पाटी तहसील में रेत खदान पर रॉयल्टी के नाम पर भारी पैसा वसूला जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने आवेदन के माध्यम से मांग की कि 3 फरवरी को खनिज विभाग और रेत खदान के ठेकेदार पार्टी में आकर वस्तु स्थिति से अवगत कराए। वहीं दूसरी ओर ग्राम बुद्धि के ग्रामीण ने भी आवेदन सौंप कर गाँव में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर आपत्ति जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि कार्य क्षेत्र के अलावा हमारे गाँव में अवैध रूप से रेत का सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत को भी नहीं दी गई है। इस दौरान वाल सिंह सस्ते, भिकला खरते, सीताराम नरगावे, गलिया गंगाराम, मुरा नरगावे, राजेश अलावे, भागरिया सोलंकी, बादल जमरे, करम सिंह अलावे, मुकेश गंगाराम सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।